गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए ये फिर से एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक लेके आई हुई। तो मैं यहाँ सबसे पहले टोनर यूज़ कर रही हूँ। गाइस, आप टोनर प्लीज़ लगाया करें, ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। ये मलबरी टोनर है गुड वाइब्स का। गुड वाइब्स के अफोर्डेबल रेंज में टोनर्स आते हैं, आप इसे प्लीज़ एक बार ट्राई करो। और मैं फिर यहाँ सिंपल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। फिर नेक्स्ट मैं यहाँ ऑर्वेल का ये गोल्ड फेशियल मसाज जेल है, ये देखिए गाइस, ये लगाते ही आपको एकदम हाइड्रेट सा फील होगा, आपकी स्किन में ग्लो लाएगा। तो प्लीज़ आप इसे ट्राई करें। ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, बट मैं आपको बता रही हूँ, आप इसे ऑनलाइन ले, मैं इसका लिंक दे दूँगी। फिर नेक्स्ट मैं यहाँ फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले शेक कर रही हूँ, प्लीज़ शेक ज़रूर करें, ये अंदर बैठ जाता है आपका फाउंडेशन, वो बहुत थिक सा हो जाता है इसलिए। और फिर मैं इसे डॉटेड फॉर्म में अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ ब्रश की हेल्प से, एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड आप स्लो 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 करें, और थोड़ा थोड़ा करके करें, ये नहीं कि ऊपर से नीचे एक बार नहीं, थोड़ा 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 करके आप करें इसे ब्लेंड। ये मेरी बाल मुझे डिस्टर्ब कर। फिर नेक्स्ट मैं यहाँ ये फिटमी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा अप्लाई करें, ज़्यादा अप्लाई नहीं करें, इससे आपका ओवर लग सकता है। जहाँ आपके पिगमेंटेशन है, जैसे मुझे माउथ के पास है तो मैं वहाँ यूज़ कर रही हूँ। और फिर अंडर आई, नोज़ के पास, सेंटर ऑफ द फॉरहेड, फिर मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। स्लो आपको ब्लेंड करना है, एकदम स्लो स्लो। फिर नेक्स्ट मैं आप फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। गाइस, मुझे ब्रश नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तो मैं इसी ब्रश से काम चला ली। देख सकते हैं अंडर आई के पास मैं इसे सेट कर रही हूँ। ज़्यादा आपको नहीं करना है प्रोडक्ट ले करके, विंटर है ना इसलिए थोड़ा लाइट ही आप सेट करोगे तो चलेगा। जहाँ आपने कंसीलर लगाया वहाँ अच्छे से आपको सेट करना है। फिर मैं अपने बेस को सेट कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे से। फिर मैं यह वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ किट यूज़ करूँगी। इसमें गाइस आपको ब्रश और स्पूली दोनों आता है, और वैक्स भी आता है, और प्लकर भी आपको देगा, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा मतलब इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है। देखिए मैं कैसे लाइट हैंड से आपको कर रही हूँ, आपको ओवर ड्रॉ नहीं करना है, आपका जैसा आईब्रोसी के अकॉर्डिंग। फिर मैं यहाँ एक कट क्रीज आज मैं बनाने वाली हूँ, कट क्रीज आज मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं एक मॉप सा पिंक टोन कलर अपने ट्रांजिशन एज अ ट्रांजिशन यूज़ करूँगी। देख सकते हैं आप, आपको वी शेप में करना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। फिर आपको थोड़ा सा उसे डार्क लेना है। दूसरे ब्रश में मुझे ब्रश मिल नहीं रहा था, फिर ब्रश मिला, हाँ, तो मैं थोड़ा सा डार्क शेड ले रही हूँ। और फिर मैं उसे अपने आउटर यानी आउटर कॉर्नर पे इसे प्लेस करूँगी। आउटर कॉर्नर पे मैं इसे डेप्थ दे रही हूँ। आउटर कॉर्नर पे देखिए, मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर ही जा रही हूँ, आपको इनर कॉर्नर और पूरे लिड पे प्लेस नहीं करना है, हल्का सा आउटर कॉर्नर और उसको आपको शेप दिखाना है। देखिए जिसे मैं कर रही हूँ, देख सकते हैं दोनों आँखों मैंने कर लिया। फिर थोड़ा सा कंसीलर आपको अपने हाथ में लेना है, सीधा ब्रश में नहीं करना, और एक पतले सी एंगुलर ब्रश में अपने आई के अकॉर्डिंग इसे लेते जाए। देख सकते हैं आपको बहुत ही धीरे धीरे ध्यान से करना होगा, जल्दीबाजी में ये नहीं होगा, बहुत इजी है ये। सबको लगता है नहीं बहुत मुश्किल है, बट नहीं, बहुत इजी है। आप ध्यान से अगर ड्रॉ करोगे, जैसे पेंट कैसे है, पेंटिंग कैसे करते हो आप, वैसे ही आपको अपने आँखों पे पेंटिंग करना है। धीरे धीरे देखिए, धीरे 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 इसे आप करते जाए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, एकदम लाइट हैंड से। ये बहुत ईजी है, देख सकते हो मुझे कंसीलर देखिए कैसा हो चुका है। तो मैं इसे एक बार हाथ से डैप करूँगी, देखूँगी, अब मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए एकदम पहले थोड़ा थोड़ा कर करके हाफ से मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ, कट क्रीज बना रही हूँ।
मैं इस पार्ट को इसलिए कट नहीं किया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जितना आप लोग मुश्किल समझते हो उतना मुश्किल है नहीं, इसलिए मैंने इस पार्ट को कट नहीं किया। देख सकते हैं ये वो कुछ मैसी सा लगेगा बट मैं इसे ठीक करूँगी। देखिए फिर मैंने डैब डैब किया, ये कुछ मैसी सा लगने लगा था, फिर मैं उसको भी सही करूँगी क्योंकि मैं भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं खुश हूँ कि मैंने हाँ ढंग से किया है, मैं खुश हूँ इससे। देखिए फिर मैं इसे ठीक कर चुकी, फिर मैं अभी और ठीक करूँगी मैं इसे थोड़ा सा, बस मुझे और ठीक करना है जो मैं यहाँ कर रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फाइनल ये ठीक एकदम अच्छे से हो चुका है, अच्छे से मैं इसे लास्ट में और ठीक, मैं पार्ट को और कट कर दी हूँ जस्ट बिकॉज मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं रखना चाहती थी इसलिए, बट ये बहुत इजी है, ध्यान से आप करोगे तो हो जाए। फिर मैं एक वही जो मैंने आउटर कॉर्नर पे जो डाला था जो कलर, उसी को मैं साइड में डेप्थ दे रही हूँ, फिर उसी को लगे ना कि कुछ कट क्रीज जैसा कुछ मैसी सा लगे। फिर मैं फिंगर की हेल्प से एक शिमर, इसी पैलेट में से एक शिमर ग्लिटर ली हूँ, पिंक कलर का है वो, लाइट पिंक कलर का। पहले मैंने हाथों से किया, फिर मतलब हाथ पहुँचते नहीं है ना इनर कॉर्नर तक, इसलिए मैं एक पतली सी ब्रश में फिर ले करके की हूँ। पहले आप हाथ से करें, उसके बाद जहाँ आपका हाथ ना पहुँचे तो वहाँ ब्रश से कर ले। फिर मैं ये NYB का ये आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, फिर मैं एक पतली सी ब्रश की हेल्प से अपने वाटर लाइन को पे आई शेडो वही ऊपर वाला लगा जो ट्रांजिशन और जो मैंने इनर कॉर्नर पे लगाया था उसे मिक्स करके दोनों को और मैं यूज़ करूँगी। फिर मैं यहाँ फॉल्स आईलैशेस यूज़ कर रही हूँ, ये नायका का है। फिर मैं मस्करा यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, ये मस्करा बहुत अच्छा है डेली वेयर के लिए। फिर मैं ये आईलैशेस, मेरे आईलैशेस आज बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहे थे, ठीक से लग नहीं रहे थे। फिर देखो गाइज उसके बाद मैं यहाँ कॉन्टोर कर रही हूँ, ये शुगर का कॉन्टोर पैलेट है। अगर आपको मतलब अलग अलग चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना तो आप इसमें यूज़ मतलब इसमें तीनों चीज़ है, ब्लश हाइलाइटर एंड कॉन्टोर। जो मेरा शेड है वो 3 है, वो नया लॉन्च हुआ है कुछ मतलब कुछ बहुत दिन हो चुका है बट बहुत कम को पता है, 2 शेड ही सबको पता है। तो ये मेरा तीसरा शेड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ पिंकी टोन में, फिर मैं यहाँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट हाइलाइटर है, मतलब ऑल टाइम फेवरेट, मैं क्या बताऊँ, एकदम सटल सा ग्लो देता है गाइज, इतना अच्छा, बिल्कुल चंकी पार्टिकल्स नहीं। आप प्लीज़ एक बार ये हाइलाइटर ज़रूर ले, प्लीज़ प्लीज़, अभी तक आपने नहीं लिया है तो। इतना अच्छा हाइलाइटर, एकदम बटरी स्मूथ जैसा एकदम ग्लाइड कर जाता है। फिर नेक्स्ट मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ एक पतली सी ब्रश अपने ब्राबोन को हाइलाइट करने के लिए, तो वो मैं हाइलाइट कर रही हूँ। देखिए अपने ब्राउबोन को हाईलाइट इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका आईब्रो मतलब जैसे कि आपका आईब्रो बना ना हो, ठीक है, तो एक्स्ट्रा वाले ऐसे लगते शेप में आपका आईब्रो बना हुआ है, दूर से देख सकते हैं मेरी आईब्रो बनी हुई नहीं है तो लग रही है ना बनी हुई है एकदम शेप में। फिर मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही हाईलाइट कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ बायोटिक का लिप बाम यूज़ करूँगी अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए क्योंकि मैं आज यहाँ लिक्विड लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। तो आप जब भी लिक्विड लिपस्टिक लगाएं तो आप अपने सबसे पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर ले, उसके बाद एक टॉवल की हेल्प से आप इसे पोंछ ले स्क्रब करते हुए और फिर लगा। मुझे ना जच नहीं रहा था लिपस्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा ही पिंक सा वाइब्रेंट सा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा ये मेबलिन का ना वो यूज़ करी थी लिपस्टिक, एकदम थोड़ा सा डॉटेड फॉर्म में हाथ से मिला लिया था। तो ये बिंदी मैंने लगा लिया, ज्वेलरी पहन ली, ज्वेलरी मीशो से है बाय द वे, और मैं ड्रेस की लिंक नहीं दे पाऊँगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको जिस टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। बाय।